नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रोहतक में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, जहां वे प्रदेश को कई योजनाओं की सौगात देंगे। भाजपा नेताओं की माने तो पीएम मोदी की यह रैली प्रदेश में पिछले एक दशक के दौरान हुई सभी रैलियों में जुटी भीड़ के रिकॉर्ड को पीछे कर देगी। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी आगामी दिनों में होने वाले हैं। बृहत मुक्त व्यापार समझौते RCEP पर बातचीत कर रहे भारत और जापान समेत 16 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक आज बैंकॉक में होने जा रही है। आपको बता दें कि यह बैठक 8 से 10 सितंबर तक चलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आज 2 दिवसीय बिहार यात्रा पर पटना पहुंचेंगे, जहां वे अपने बिहार यात्रा के दौरान AN सिन्हा इंस्टीट्यूट में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वे नवादा के विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फर्जीवाड़े के कारण रद्द की गई हिमाचल पुलिस लिखित भर्ती परीक्षा आज रविवार को आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि अगस्त महीने में हुई गतिविधि के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। मिशन गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के चयन का पहला चरण इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में पूरा हो गया है। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को बताया कि चुने गए पायलटों का व्यापक शारीरिक व्यायाम परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, क्लिनिकल टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट व मनोविज्ञान मूल्यांकन से गुजरना पड़ेगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि भारत को 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में राज्यों को अपनी नीतियों में संरचनात्मक बदलाव करके आर्थिक वृद्धि तेज करने की भूमिका निभानी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने 2024 तक 5000 अरब डॉलर और 2030 तक 10000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक QR कोड की मदद से ATM से पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि इस सुविधा के तहत लोग केवल अधिकतम 2000 रुपए की निकासी कर सकेंगे। आपको बता दें कि ऐसा करने वाला यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद दूसरा बैंक बन गया है। 1 सितंबर से देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाने के बाद ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस कराने वालों की संख्या में अचानक तेजी आ गई है। आपको बता दें कि बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर अब पहले की तुलना में दोगुना जुर्माना भरना पड़ रहा है, जिसकी चर्चा इन दिनों जोरों पर है। राजस्थान के क्रिकेट जगत के लिए बड़ी और राहत भरी खबर आई है। दरअसल BCCI ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से अपनी रोक हटा ली है। आपको बता दें कि RCA पर BCCI ने वर्ष 2014 में रोक लगा दी थी। पूरी दुनिया में जहां वर्चुअल करेंसी के साथ सिक्योरिटी और परंपरागत करेंसी को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं बताया जा रहा है कि पड़ोसी देश चीन इस साल के अंत तक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकता है और चीन की क्रिप्टो करेंसी का मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा से होगी। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने कहा कि चंद्रयान 2 अपने मिशन के 95% उद्देश्यों में सफल रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑर्बिटर सही है और चंद्रमा की कक्षा में सामान्य रूप से काम कर रहा है। गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात चंद्रयान 2 को चांद पर उतरने से ठीक पहले लैंडर विक्रम का संपर्क कंट्रोल रूम से हट गया। पाकिस्तान ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आइसलैंड जाने के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि भारत ने राष्ट्रपति कोविंद की आइसलैंड की फ्लाइट के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे पाकिस्तान ने नामंजूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल औरंगाबाद औद्योगिक शहर का उद्घाटन किया। यह देश का पहला नया स्मार्ट औद्योगिक शहर है, जो 10,000 एकड़ में फैला हुआ है। आपको बता दें कि यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली है। इसी बीच कल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना और भाजपा के गठबंधन को लेकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दोनों दलों का गठबंधन अटल है और यह गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की मुश्किलें भी अब दिल्ली पुलिस की तर्ज पर बढ़ने वाली है। दरअसल यूपी के DGP ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसमें किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी किए जाने पर केंद्रीय मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 की नई जुर्माना नीति के तहत दोगुना जुर्माना भरने का आदेश जारी किया गया है।
दिल्ली NCR के कई इलाकों में बीते दिन झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली और दिल्ली के कई इलाकों का मौसम सुहाना हो गया। हिमाचल के वर्तमान राज्यपाल कालराज मिश्र कल राजस्थान के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें अब राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने कालराज मिश्र को रवाना होने से पहले गुलदस्ता भेंट किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों के बाद मतों की गिनती 11 घंटे की देरी से शनिवार को शुरू हो गई। वहीं विश्वविद्यालय के इलेक्शन कमीशन ने बताया कि यह 11 घंटे की देर छात्रों और प्रशासनों के बीच उत्पन्न स्थिति के कारण हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय पोषण के मुद्दे पर CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लगभग 1 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास पर इस मुद्दे पर चर्चा की। इसके बाद वे उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक से मिली, जहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के लिए चल रही रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। झारखंड के CM रघुवर दास ने कहा कि उनकी सरकार हिस्ट पुष्ट और मस्त झारखंड बनाएगी और इस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास इन दिनों जमशेदपुर प्रवास पर हैं, जहां वे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के अलग अलग मंडलों में प्रवास करके कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने STET परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। आपको बता दें कि ये परीक्षा 7 नवंबर को होगी और इस परीक्षा के लिए फॉर्म 9 से 18 सितंबर तक भरे जाएंगे। कल राजस्थान के डिप्टी CM सचिन पायलट का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने गमजोशी से मनाया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि इसका फैसला करने का अधिकार केवल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को है। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से पहले चंद्रयान 2 का संपर्क इसरो से हट गया। इस पर DRDO के डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि लक्ष्य के इतने नजदीक पहुंचने पर चंद्रयान से संपर्क टूटने से सभी को दुख तो हो रहा है, लेकिन उसे चांद के इतने पास पहुंचा देना ही बड़ी सफलता से कम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने कमियों को ढूंढ लिया है, इसलिए अगली बार यह मिशन जरूर कामयाब होगा। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुंबई कांग्रेस की कमान 79 साल के बुजुर्ग नेता एकनाथ गायकवाड़ को सौंप दी है। आपको बता दें कि इससे पहले यह पद कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा के पास था। श्री क्षेत्र धाम पुरी में श्री मंदिर के चारों तरफ 75 मीटर की परिधि में चल रही उच्छेद प्रक्रिया को एमिकेस क्यूरी ने सही ठहराया है। इस मामले को लेकर पुरी जिला प्रशासन एवं श्री मंदिर प्रशासन से चर्चा करने के बाद एमिकेस क्यूरी रंजीत कुमार ने सरकार के निर्णय को ठीक बताते हुए कहा कि सरकार ने जो कदम उठाया है वह स्वागत योग्य है। नए साल के जनवरी से बिहार के भागलपुर में यात्री हमसफर ट्रेन से नई दिल्ली तक का सफर करेंगे। आपको बता दें कि दिसंबर तक नई लाइन हंसडीहा गोड्डा चालू होने के बाद हमसफर ट्रेन चलाने की कवायद शुरू कर दी गई है। हरियाणा के सिरसा के नाथूसरी चौपटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम सत्ता को भोगने नहीं बल्कि जनसेवा के लिए राजनीति में आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब का कल्याण करना हमारा प्रमुख धैर्य है और जनता का विश्वास हमारी पूंजी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे संवाददाता BD अनुरागी बता रहे हैं कि छतरपुर जिले में वैसे तो कई संगठन अपने अपने तरीके से काम में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संगठन हैं जिन्हें अपने साथ साथ अपने शहर की भी चिंता है। इसी मामले में कल छतरपुर के सब्जी एवं फल विक्रेताओं द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और कुछ विशेष परिस्थितियों को अवगत कराया गया। बिहार के पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि बिहार में केस पेंडेंसी को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस हेडक्वार्टर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब हर हाल में केस पेंडिंग में नहीं जाने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि महोबा के करबई कस्बे में सराफा व्यापारी के यहां चोरी करने के उद्देश्य से आए चोरों को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। वहीं सराफा व्यापारी ने थाना प्रभारी राजकुमार सिंह सहित पूरी पुलिस की टीम को इसके लिए बधाई दी और उनका धन्यवाद व्यक्त किया। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।